दोस्तों अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वार्म अप मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों यूएसए पहुंच चुकी भारतीय टीम और बांग्लादेश टीम के बीच हो चुका है पहला वार्म अप मैच शुरू। आखिरकार रोहित शर्मा ने जीत लिया है टॉस, चुन ली है पहले बल्लेबाजी। आखिर क्या चल रहा है भारत का स्कोर, किसने बना लिए कितने रन, कौन पहुंच गया शतक के करीब, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम पहला वार्म अप मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों में से एक है, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने T20 क्रिकेट में आती है तो मैच अपने आप रोमांचक बन जाते हैं। अब दोस्तों भारतीय टीम यूएसए पहुंची है इस आस के साथ कि इस साल का T20 विश्व कप हमारा होगा। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम भी भारत को चुनौती देने से पीछे हटेगी नहीं। एक तरफ भारत के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम के पास तंजीद हसन, नजमुल हुसैन, शांटू, लिटन दास, शाकिब अल हसन मौजूद हैं, जो कि अपनी टीम को किसी भी स्थिति से जिताना जानते हैं। अब दोस्तों दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला देखने के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आखिरकार वो पल अब आ ही चुका है जब हम सभी को यह दोनों टीमें आमने सामने भिड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहला वार्म अप मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच यूएसए स्थित नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां इस मैच में पहले टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा पूरी कोशिश करेंगे बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा रन बनाने की, जिससे कि बांग्लादेश की टीम पर प्रेशर बनाया जा सके और मुकाबले को एक तरफा जीता जा सके। अब दोस्तों यहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की निगाहें इस साल T20 विश्व कप के हर एक मैच को जीतने पर है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम की बात करें तो अभी हाल ही में बांग्लादेश की टीम को कई फिसड्डी टीमों से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बांग्लादेश भी अब चाहेगी कि अपनी खोई हुई लय को एक बार फिर से वो वापस पाए और अपने सभी खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके वार्म अप मैच में पूरी तैयारी करे। अब दोस्तों अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच यह वार्म अप मैच अपनी लाइव टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो हॉटस्टार ऐप पर आप सभी यह मुकाबला देख पाओगे, जहां हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु जैसी अनेक भाषाओं में यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो वहीं बात करें अब दोस्तों मैच के बारे में, तो यहां पर भारत की तरफ से पारी की शुरुआत पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करेंगे, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव टीम को मजबूती देंगे, जिससे कि यहां आसानी से 200 के पार इन पिचों पर स्कोर को पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों गेंदबाजी में भी भारत के पास एक से बढ़कर एक विकल्प है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद भी यहां शामिल है टीम इंडिया में। और दोस्तों यहां पर विकेट कीपिंग में संजू सैमसन और ऋषभ पंत भारत के पास विकल्प है। लेकिन अगर आपको पूरी टीम बताते हुए चले तो भारत की टीम में अगर गेंदबाजी से आप देखोगे तो युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह मौजूद हैं। और वहीं फिर बांग्लादेश की टीम के बारे में बात करें तो यहां नजमुल हुसैन, शांटू जो कि उनकी टीम के कप्तान है, तो वहीं तंजीद हसन, तोहिद हरिदोए, मेदी हसन, महमदुल्ला, शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार, जाकर अली, लेटन दास, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, सौरिफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी दोस्तों अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम पहला वार्म अप मैच अपने नाम करेगी, और आप जिस भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा।